ताकि हम पूरी जानकारी आपको दे सके कौन सा डॉग और किस टाइप से खिलाते हैं। या अभी मजा आएगा ना वीडियो। कुछ खाने में तब्दीली होती है, कुछ बदल के दिया जाता है, या सेम वैसा ही खाना दिया जाता है जो सभी डॉग को पड़ेगा? तो उनका सवाल था प्रॉपर इंडियन स्पिट्स को लेकर के, मैं बताऊंगा सभी डॉग को लेकर के, है ना। आप प्रॉपर इंडियन स्पिट्स की भी जानकारी मिलेगी आपको और अलग डॉग ब्रीड की भी। तो अभी चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा डॉग ब्रीड है और किस तरह से उसको खान पान दिया जाना चाहिए और कैसे उसको मेडिसिन वगैरह ऐड करते खाने में, सारा कुछ। तो बने रहे इस वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन कर सकता हूँ। आज एक भाई ने सवाल किया था कि कौन सा फूड दिया जाए और किस तरह से खाना देते हैं 35 टू 45 डेज ओल्ड पपीज को। तो मैं उसी पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग देखेंगे कि क्या देते हैं और किस तरह से दिया जाता है और खाने का शेड्यूल क्या होता है, कितनी टाइम देते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो पे। तो चले बने रहे इस वीडियो पे। फूड को इस तरह से रेडी करते हैं, इसमें डॉग फूड है और साथ में जटवल पाउडर मिला दिया गया है। अच्छा, लेगो टॉनिक भी इसी में मिला लेंगे। तो इस तरह से करके पूरा फूड तैयार किया गया है और हाथ से आराम से क्रश करके दिया जा सकता है डॉग को। ये अभी कितने दिन के बच्चों को दिया जा रहा है? ये 35 डेज यानी कि 35 से 45 दिन के बच्चे को आराम से ऐसे दिया जा सकता है खाना, या 2 महीने के बच्चे को भी? 2 महीने के लिए तो इतना जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए पर हाथ से क्रश करना जरूरी है ताकि आराम से डाइजेस्ट कर ले वो पूरा खाना, बढ़िया से वो खाते। अभी चलिए आपको लाइव खाते हुए भी डॉग को दिखा दिया जाएगा ताकि आप लोग क्लियर हो ले कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे देते हैं खाना। तो अभी आपने देखा डॉग फूड को किस तरह से मिक्स करके एक बाउल में तैयार किया गया है। अभी देखते हैं कौन कौन सा डॉग है अपने पास जिनको खिलाया जाएगा और किस तरह से खिलाते हैं, वो सारा कुछ पूरे डिटेल से आपको दिखा रहे हैं हम आपको। तो चलिए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट डॉग फूड के ऊपर। और डॉग फूड तो रेडी हो चुका है, रामा भैया रेडी कर चुके हैं। अब किस तरह से खिलाते हैं रामा भैया वो भी आपको दिखाया। गोल्डन रिट्रीवर को दिया जा रहा है ये खाना, जो कि डॉग फूड पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और इसकी क्वांटिटी आप देख लीजिए, बस इतना ही है। और ये अभी 35 डेज ओल्ड पपी है और ये 35 दिन के बच्चे को दिया जा रहा है ये खाना। इसी में आपका गटवेल पाउडर और डॉग फूड मिक्स करके दिया गया है पानी के साथ। दूध बिल्कुल नहीं देने, तुम हटो ना, तुमको दे रहे हैं ना। ये थोड़ा उससे बड़ा बच्चा है तो सब डॉग का अपना अलग अलग स्पीड होता है, सब अपने अपने डॉग। ऐसे देखिए अभी ये खाना खा रहा है तो आराम से ये खाना खा लेगा, उसके बाद इसको साफ करना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि जब बच्चे खाते हैं तो वो अपना ये है फिर स्किन का प्रॉब्लम ना होने लगे, फंगल वगैरह होने लगेंगे खाना जब छोटे रहेंगे तो। तो खाना जब भी आप खिलाए तो बढ़िया से साफ कर दें। हाँ, खा के ये फिट हो गए और खाना खिलाने के बाद इसको छोड़ दे घूमने के लिए, पोटी वगैरह कर दे। ये इंडियन स्पिरिट्स था और आज का मतलब आज ही आए हैं इसी के लिए थोड़ा डरा हुआ है। अच्छा, ये तो दोनों को खाना खा के खत्म कर लिया, लगता कुछ ज्यादा ही फील कर लिया। बड़े बच्चे हैं, छोटा बच्चा में थोड़ा सा हिसाब देखना पड़ता है कि थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो लूज मोशन वगैरह करने लगेंगे। बहुत हेवी और खूबसूरत क्वालिटी। ओके, अब ये थोड़े बड़े बच्चे हैं। ये कितने दिन का है राहुल? ये 2 महीना प्लस का, 2 महीना प्लस हो गया यानी कि लगभग 60 डेज अप्रोक्सीमेट। अभी अपने जितने भी डॉग हैं सबको वैक्सीन लगा करके दिया जाता है यहाँ पे। अब अभी आप आएंगे जो भी 45 प्लस डॉग आपको मिलेंगे वो सब आप वैक्सीनेटेड मिलेगा आपको। और खाने के बाद आप बिल्कुल ध्यान रखें कि डॉग का आप फेस बिल्कुल साफ कर दें, जो फरी डॉग है उनको तो बिल्कुल साफ करना जरूरी है।
जाएगा बच्चा, और इससे खूबसूरती बनी रहती है वरना तुरंत बर्बाद कर लेते हैं अपने चेहरे को। देखिए इधर बड़ा सा केज है, इसके पास स्पेस है, ये आराम से यहाँ पे खेल कूद सकते हैं। पैसेज इसका ये पूरा इधर खुला पैसेज है, और ये लोग पोटी करता है तो आराम से नीचे आ जाता है, इसको साफ करने में भी आसानी होती है, ये लोग को लगता भी नहीं है। और जैसे सिज्जू जैसे जो ब्रीड है, इनके हेयर का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके नाक मुंह में बहुत कम स्पेस होता है, जिसके कारण ये पूरे अपने आंख तक गंदा कर लेते हैं। जब आप इसको साफ करेंगे तो बढ़िया से साफ होना चाहिए, वरना काफी दिक्कत आ सकती है। देखिए तो इसके खाने के बाद इसके फेस का क्या हाल होगा, है ना बेटा, जरा मुंडी ऊपर करना थोड़ा सा। ये इसी का बच्चा है, क्योंकि इसका बाप है। खाने तुम बिल्कुल खिलाने के बाद साफ करना जरूरी है, तो बहुत ज्यादा गंदा करने चाहिए। ये भी मेल है ना सरजू का? हाँ।